अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स। तो चिकन नगेट्स के लिए हमने चिकन लिया है चॉप किया हुआ, क्योंकि हम आज के लिए बना रहे हैं थोड़े से, तो हम उस हिसाब से लिया है। आप अपना चिकन अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये ब्रेड है, इसको हमने क्रम्स बना लिए हैं इसके, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने। और अब हम ब्रेड को डालेंगे चिकन के अंदर। हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी कल, तो उसकी कुछ बोटियाँ भी बच गई थी। ये हमने चिकन और चिकन में ब्रेड डाल दी है। ये बोटियाँ जो मैं बता रही थी आपको, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। जो आपकी कोई सालन में चिकन की पीसेस बच जाए, तो आप उसको इस तरह से चिकन निकाल के उसको चॉप करके नगेट्स में यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन हमने पेस्ट डाला है इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले। हम इसमें हाफ टी स्पून जो डाला है नमक, और हाफ ही हमने डाली है वाइट मिर्च, वाइट पेपर, और सुरख मिर्च डाली है हमने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली है। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप मसाले ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सोया सॉस भी हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। आप ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये इस तरह से इसको अपने मिक्स कर लेना है और ऑयल डाल देना है। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ये इस तरह से इसको करना है। ये पूरा ऑयल करके इसको फिर हमने शेप देनी है, ठीक है। इसको शेप में काट लेना है। ये आप सब लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अपने मसालों को थोड़ा कम रखें, अगर आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये इस तरह से हम शेप्स काट लेंगे, ये टेस्टी बहुत बनते हैं। ये इस तरह से इसको हम कटिंग कर लेंगे, ये इस शेप्स में काट लिए। अब हमने ब्रेड क्रम्स लिए, ये एग लिया, इसमें हमने दूध और वाइट मिर्च और नमक डाला है। इसमें हम डिप करके इसको ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं हमने, और हम इस तरह से इसको तलेंगे। अब आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं इसको आप 2-3 मंथ्स के लिए किसी भी बॉक्स में डालकर, तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये इस तरह से अब हम इसको तल लेंगे। ये अब इसको इस तरह से तल लेना है। ये देखें, ये हमने तल लिया है इसको। तो और ये फ्राइज़ भी हमने बनाए हैं। ये हमने उसी एग के अंदर हमने थोड़ा सा बेसन और मैदा डाल के, नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल दी हमने, काली या वाइट दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। डालकर हम इसको फ्राइज़ को स्पाइसी से, क्रिस्पी से सॉरी बन जाते हैं। ये इस तरह सब साफ कर कर। हेलो वहाज, क्या हाल है आज? वहाज चिकन नगेट्स खाने लगे हैं। वाओ जी, ये चम्मच। ओह, स्पून नहीं है आपके पास? चलो केचप। वहाज को विद केचप पसंद है। मैं खाने के साथ खाता हूँ। अच्छा, खाने नहीं खाना था। अच्छा, ये खाना था। अच्छा, नगेट्स चेक करो, मुझे बताओ कैसे बने, मामा ने कैसे बनाए हैं नगेट्स। ये देखे वाज चिकन नगेट्स। वाज कैसे लग रहा है चिकन नगेट आपको? अच्छा लग रहा है। यू लाइक इट? वाओ, हेलो मेरा। हाँ जी, आपने भी खाना है? मीरा खुश हो रही है, मीरा कह रही मैंने भी खाना है। मीरा ये लो, मजे का है, मजे का है ना वहाज, मजे का। वहाज कुछ कहना चाहते हैं आप अपने व्यूअर्स को? क्या कहना चाहते हैं? मैं खिलौने भी खाता हूँ। खिलौने खाते हो? अच्छा, सही। वहाज को भूख लगी हुई है, वहाज एंजॉय कर रहा है अपनी डिश। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ये बनाएं, ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें, ये वहाज, वो इनके लिए मैंने ज़रा मिर्च कम रखी है। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो, आप बीच में स्पाइसी भी कर सकते हैं। हेलो वहाज, हम चाह रहे हैं कि आप इंजॉय करें अपने नगेट्स और फ्राइज। क्यों आपने इंजॉय नहीं करने? मैं आपके साथ खेलूँ बस। चलो ठीक है, मेरा तो बहुत इंजॉय कर रही है ना मेरा, आपको भी पसंद आए हैं ना मेरा। ये देखिए, हमारे कपड़ों का गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आज हमने कपड़े वॉश किए थे और उसको उठाया भी नहीं है ना, आज हमने उठाया ही नहीं है। ओके, हाँ, बाय बाय।
See you next week. Next week means next day. Next day. Okay, bye-bye. Bye-bye. Allah Hafiz.